डलहौजी वन मंडल के कोहलड़ी में मंगलवार को एक मादा तेंदुआ मृत हालत में मिला है। उसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने कोहलड़ी छिंज मेला ग्राउंड के समीप नाले में तेंदुए को तड़पता पाया, लेकिन वन विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले इसकी मौत हो गई। इस मादा तेंदुए की उम्र करीब एक वर्ष बताई गई है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत तेंदुए को कब्जे में ले लिया। फिलहाल तेंदुए के शरीर पर किसी तरह की चोट और घाव के निशान नहीं है। तेंदुए की मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल पाएगी। वन विभाग ने पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। जी सर, मैं वन रक्षक हारून रशीद, इंचार्ज कोलड़ी वीट चिल बंगला वीट डलहौजी वन मंडल। आज सुबह करीब 9:30 बजे हमें स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली कि कोलड़ी जंगल में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया है। हम अपनी मौके पर टीम लेके तकरीबन 10 बजे पहुँचे तो तेंदुए को हमने अपने कब्जे में लिया, जो मृत हो चुका था। अपना प्रथम दृष्टया में देखने पे ये पाया गया है, ये मादा तेंदुआ है। तकरीबन 1 साल की इसकी एज महसूस हो रही है अपना, और इस देखने में कोई भी बाहरी कोई भी इसमें घाव नहीं है, जैसे शिकार वगैरह या गोली लगने का कोई भी निशान नहीं है। बाकी इसको लेके हम अपना पशुपालन विभाग यहाँ अस्पताल चंबा लेके आए हैं। बाकी जो भी इनकी रिपोर्ट अपने पोस्टमार्टम के बाद होगी वो सबमिट की जाएगी। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।